ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में अक्सर आरती के दौरान हम गाते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में यदि देखें तो तन हो, मन हो या धन हो, इंसान तीनों को अपने अनुसार ही प्रयोग में लेकर आता है। कैसे हम अपने द्वारा कहे गए इन वाक्यों को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। और हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम जिन महावाक्यों के बारे में बातचीत करेंगे और गहराई में जाएंगे वो है 25 दिसंबर 69 के महावाक्य, और वाणी का टॉपिक है अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। भाई साहब, बहुत ही ज़रूरी है परमात्मा के इन महावाक्यों को जीवन में लेकर आना, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम सबके हर कर्म में रूहानियत आए। जब हम स्टार्टिंग में वाणी को पढ़ते हैं तो लिखा है कि आप सभी को रूहानी रूप में रह के हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। है सब, रूहानियत और रौनक, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? रूहानियत शब्द जो है वो रूह कहते हैं आत्मा को। जी, जब हम आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करते हैं, हाँ जी, तो उस कर्म में अपने आप में रौनक आ जाती है, क्योंकि उसमें अपना लगाव नहीं रहता, अपनापन नहीं रहता। जैसे मैं आत्मा निमित्त होकर के इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, कराने वाली मैं अलग हूँ। तो जितना हम न्यारे बन करके कोई कर्म करते हैं जी, उतना वो अपने आप में दूसरों को आकर्षित करता है। रौनक शब्द जो है वो दूसरों को आकर्षित करने के लिए है। कोई चीज़ जो रौनक में होती, माना कहते हैं बहुत रौनक, बहुत अच्छा मनोरंजन जैसा होता है रौनक, तो रौनक शब्द रूहानियत से लग रहा है। बाबा उस शब्दों को मिला रहे हैं कि जितनी जितनी आत्मा में वो एक स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, उतना कर्म बहुत आकर्षक बन जाएंगे। जो चेहरे से, चलन से, बोल से वो दिखाई देगा कि कुछ अलग आत्मा है, ये अलग प्रकार के लोग हैं जी, तो रौनक चेहरे पर आ जाएगी, कर्म में आ जाएगी और लोगों को आकर्षित करेगी। तो सब इसी से संबंधित, जैसे आपने कहा, लिखा है कि नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। और रूहानियत कैसे आएगी और रूहानियत कायम न रहने का कारण क्या है? कारण बताया है कि अपने को और दूसरों को, जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उन्हों को परमात्मा की अमानत समझकर चलना। फिर सब ईश्वर की अमानत समझकर हम कोई भी कार्य करते हैं, परंतु जो कार्य हम अपना समझ के करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि जब हम किसी के अंदर आसक्ति रखते हैं, यानी उससे अटैच होकर कार्य करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह होता है, और अगर हम उससे अटैच नहीं होते हैं, अपने को थोड़ा उपराम रख के करते हैं, तो उसमें वो बात नहीं आती। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें ऐसा है कि अमानत शब्द अगर हमें समझ के चलते हैं जी, कि जो भी कार्य दिया है, हम कहते हैं करावनहार भगवान है, वही करा रहा है जी, वही देख रहा है, वही सब कुछ है, तो जब वही सब कुछ करा रहा है और हमने उसको अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया, अर्पित कर दिया, तो जैसे उसकी अमानत हो गई सब चीज़ें। सेवा हमें मिली, साथी मिले, कोई हमारी विशेषताएं हैं, दिया किसने? जो चीज़ किसी को दी जाती है, जिसके पास वो रहती है, वो हमेशा समझता है देने वाला वो है, या हमारे पास वो रख के गया है, वो उसकी अमानत है। तो अमानत समझते हैं तो उसमें हम अटैच नहीं होते, हमारी आसक्ति नहीं जाती, उसको हम दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, गलत रास्ते पर नहीं लगा सकते, गलत काम में नहीं लगा सकते। तो परमात्मा ने जो भी हम सबको दिया है, जो उसकी देन हमें मिली है जी, वाणी की देन है, कोई कर्म ऐसे श्रेष्ठ हो रहे हैं वो देन है, तो उसमें अगर हम आसक्त नहीं हैं,
भगवान करा रहा है, उसने ये सब विशेषताएं दी हैं, तो उसमें हम अटैच नहीं होते हैं। करना चाहिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए अपनापन होना चाहिए, लेकिन एक है अपनापन और एक है उसके अंदर अटैच हो जाना, लगाव रखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अपनेपन से करते हैं तो उसके कार्य की कुशलता बढ़ती है। हम समझते हैं ये हमारे सेवाएं हमें जो मिली है ये हमारी अपनी है, इसको हमें परफेक्ट करना है। लेकिन देने वाला अगर सदा याद रहता है कि उसने ये दिया है, तो उसमें हम अटैच नहीं होते हैं, उसने दिया है हमने किया। सर, इसमें एक बात आती है कि जब भी कोई इंसान आश्रम में जाता है या आश्रम में रहता है, तो वहाँ तो उसे लगता है, आश्रम हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, जहाँ भी कोई व्यक्ति जाता है, वहाँ तो उसे लगता है कि ये ईश्वर अर्थ हम कर रहे हैं, सेवा समझ के करता है व्यक्ति। लेकिन जब वो अपने घर परिवार में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, तो कई बार उसको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर जो मैं कार्य कर रहा हूँ और यहाँ पर जो कार्य कर रहा हूँ, उन दोनों में अंतर आ जाता है। इसी के कारण वो कार्य बंधन बन गया व्यक्ति के लिए। परमात्मा चाहते हैं हर कार्य क्षेत्र में अपनापन खत्म हो जाए, मोह ममता खत्म हो जाए, तो दुख नहीं आएगा। इसलिए बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं परमात्मा कि बच्चे तुम ट्रस्टी हो। ट्रस्टी जो होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं। अगर कोई भी कार्य हम लौकिक कर रहे हैं, प्रवृत्ति को संभाल रहे हैं, सब कार्य करते हुए समझते हैं, मान लो बच्चे हैं, ये भी परमात्मा ने, मैं कहते हैं हम परमात्मा ने दिए हैं, अगर उसने दिए हैं और हमें संभालने के लिए दिए हैं, तो संभालना हमारा कर्तव्य है, बहुत प्यार से संभालें, उनको पढ़ाएं लिखाएं पालना दें। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कारण से कुछ होता है तो उसने दिया है, उसका है, अगर हम इस भान से चलते हैं तो उसमें हमें दुख नहीं होता। कई चीज़ें हैं आज की कलयुग के अंदर, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, अगर सदा ये स्मृति रहती है कि भगवान की ये अमानत है जी। तो उन घटनाओं में आत्मा दुखी नहीं होती, उसकी है, जिसकी है उसने अगर ले लिया जी। तो हम ना अपने को दोष देते हैं ना भगवान को दोष देते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्ञान की प्राकाष्ठा चाहिए। जब तक ज्ञान की प्राकाष्ठा नहीं है, हम ऊपर ऊपर से तो भक्ति में भी कहते आए हे प्रभु ये सब तेरा है, तूने ही दिया है, लेकिन जब कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी शरीर छोड़ जाता है, तो हम भगवान को कहते हैं तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया, बिल्कुल, ये क्यों कर दिया ऐसे, उसको दोष देते, उसको गालियां देने लगते। बिल्कुल। परमात्मा हम सबको वो रूहानियत में स्थित कर रहे हैं, बच्चे जब तुमने कह दिया कि ये सब तेरा है, तो तेरा अगर उसने मुझे दे दिया कि चलो मेरा है, मेरा समझ करके मैं तुमको देता हूँ, संभालो, तो इतना अनासक्त होकर के उसकी पालना करो, उसको संभालो, और सदा बुद्धि में रहे भगवान की देन है। तो उसमें अटैच नहीं होंगे, कोई भी घटना अगर घट भी गई तो उसको दोषी नहीं देंगे कि तेरी तेरह थी तूने ले ली। तो ये है गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपनी बुद्धि को बैलेंस में रखने के लिए, दुख से मुक्त रहने के लिए बहुत अच्छी विधि। तो सर, दुख से तो व्यक्ति कई बार मुक्त हो जाता है, और कई बार लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये भगवान के साथ ज्यादा अटैच हो गया है और इसका घर परिवार की तरफ इतना ध्यान नहीं है। वास्तव में इसमें समझ की कमी है जी। अटैच होना क्या है? भगवान ये नहीं कहता सब कुछ छोड़ दो जी, ये संन्यास मार्ग नहीं है, हम कुछ भी छोड़ते नहीं है। लेकिन बुद्धि जो अटकी हुई है, लटकी हुई है किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी संबंध में, निभाते हुए, उसके साथ पार्ट प्ले करते हुए, सब कुछ करते हुए, बुद्धि से हम उपराम हो जाएं, न्यारे हो जाएं, तो दुख अशांति नहीं होगा। व्यक्ति छोड़ करके फिर भगवान की तरफ लग जाए तो एक अलग मार्ग हो गया, निवृत्ति हो गई। निवृत्ति मार्ग हमें परमात्मा नहीं सिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन प्रवृत्ति का एक बहुत अच्छा शब्द देते हैं, परवृत्ति। जो वृत्तियां हैं वो परे रहें, न्यारी रहें, फिर प्रवृत्ति को संभालो। यही है ट्रस्टीपन की भावना, यही है उसकी अमानत समझना, जिससे हम अटैच ना हो जाएं प्रवृत्ति के साथ। अटैचमेंट हो गई तो दुख होगा, जहां अटैचमेंट है वहां दुख है, जहां स्नेह है वहां दुख नहीं हो सकता। जब कई बार फिर भी मंझधार में व्यक्ति आ जाता है, समझो सुबह जो हमारी मॉर्निंग क्लास होती है 7 बजे,
और उसी समय किसी के बच्चे के स्कूल जाने का समय है। अब ऐसे में इंसान दुविधा में आ जाता है कि बच्चों का हम टेक केयर करें, उनको स्कूल भेजें या फिर यहाँ क्लास करें। ये समझ चाहिए जी, अगर मान लो बच्चे को स्कूल भेजना है तो वो पहला फर्ज बनता है, भेजना चाहिए, उसको तैयार करना, उसको नाश्ता पानी देना, उसको स्कूल छोड़ना। ऐसा नहीं है कंपलसरी कि उसको छोड़ करके, अपने कर्तव्य को छोड़ करके हमको स्टडी करनी है जी। स्टडी का समय हमें पहले या बाद में निकालना चाहिए। कंपलसरी नहीं है, जो ऐसे कोई कारण बनते हैं, कारण वालों के लिए परमात्मा ये नहीं कहते कि तुम उसको छोड़ करके ही करो। तुमको जो अमानत मिली उसको ठीक संभालो। ये भी तो अमानत मिली, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, लायक बनाना है, तो उस अमानत को ठीक संभालो। बाकी अपनी बुद्धि के बैलेंस के लिए, मान लो उस समय आप 7 से 8 की टाइम की बात है उसी में बिजी हो, तो उसके पहले या बाद में समय निकालो अपनी उन्नति के लिए जी, तो ये बैलेंस बना रहेगा। बहुत सुंदर भाई साहब। इसी से संबंधित एक और बहुत ही महीन लाइन है, परमात्मा कहते हैं कि मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। तो मन, जब हम कहते हैं तन मन सब तेरा है और परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है, संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, मन जिसको हम कहते हैं संकल्प शक्ति है, लेकिन मन के साथ दूसरी शक्ति भी दी है, बुद्धि, जजमेंट पावर जिसको हम कहें, विवेक। तो मन में जो संकल्प उठते हैं बुद्धि तुरंत राइट और रॉन्ग की जजमेंट देती है जी। जिसको कहते हैं विवेक नहीं मानता। मन में तो संकल्प उठते हैं लेकिन विवेक नहीं मानता जी। तो हर व्यक्ति को परमात्मा की आवाज़ सुनने के पहले विवेक की आवाज़ सुननी चाहिए, माना बुद्धि की आवाज़ सुननी चाहिए। तो मन में जो संकल्प उठ रहे हैं वास्तव में वो कर्मेंद्रियों की अधीनता के कारण मनमत हो सकती है, इसलिए बुद्धि जब कह रही है ये राइट है ये रांग है तो उसको सुनना चाहिए। और अगर हम वो सुन रहे हैं तो हम मनमत नहीं चलाएंगे, रोकेंगे उसको, और परमात्मा की जो श्रीमत है वो बुद्धि बताएगी समय पर समय, परमात्मा ये श्रीमत दे रहे हैं, ये उनकी श्रीमत माना राय है, श्रेष्ठ मत है, इस पर चलना है। तो मनमत में जो व्यर्थ बातें आ रही हैं मन के अंदर, उनको कंट्रोल करना, नहीं तो मन को जो अमानत है उसमें जैसे हमने अपने व्यर्थ डाल दिए तो खयानत कर दी। भगवान ने जो हमारे को शुद्ध मन दिया, पवित्र मन दिया, अच्छे चिंतन की श्रीमत दी, उसकी बजाय हम व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, बढ़ चिंतन कर रहे हैं, इधर की उधर की बातों को सोच रहे हैं, बहुत अपने मन को भारी बना रहे हैं जी। इसी कारण तनाव पैदा हो रहा है छोटी छोटी बातों में, जहाँ अपनापन आ गया, जहाँ कोई अटैचमेंट हो गई, उसके प्रति इतना सोच लेते हैं और सोचने के बाद भारी हो जाते हैं। तो जैसे जो परमात्मा की श्रेष्ठ मत है मन के लिए, उस मन में हमने ख्यानत कर दी। परमात्मा हम सबको यही मत देते हैं कि शुभ सोचो, कम सोचो, जो काम का है वही सोचो जी। तो अगर इस तरह से हम उस श्रीमत को पालन करके चल रहे हैं तो हम संकल्पों को बहुत अच्छा, शुद्ध, शक्तिशाली बना सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन प्रभु की अमानत है, इसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प ला करके, इधर उधर के साधारण संकल्प ला करके ख्यानत नहीं करो। वैसे बहुत सुंदर बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं मन में तो मतलब सेकंड से भी कम टाइम में लगातार थॉट्स आते ही जाते हैं। अब इन थॉट्स को क्योंकि पहले से ही इसे दे अभिमान में रहकर और दुनियावी बातों में जाने की आदत पड़ी हुई है, कई बार ये इंसान को लगता है कि ये तो ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे कार्य चलेगा। तो ऐसे में कई बार मिक्सचैरिटी हो जाती है, एक तरफ हम परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं को मनन में लेकर आ रहे हैं, पर दूसरी तरफ फिर हमारा फ़र्ज़ जो है हमें कह रहा है कि आपको ये भी कार्य करना है, आपको वो भी कार्य करना है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर वो परमात्मा के महावाक्यों को ध्यान से सुने जी, परमात्मा ने कोई ऐसी मत नहीं है जिसके लिए कहा बताया ना हो जी। जी, अमृत वेले आँख खुलते रात्रि सोने तक, सोने की स्टेज के लिए भी श्रीमत दी है। हर एक राजयोगी आत्मा को
उस स्त्री मत की लिस्ट अपने सामने रखनी चाहिए। कर्म के लिए मना नहीं किया है, संकल्प के लिए मना नहीं है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर हम सबको राजयोगी जीवन जीना है तो उन संकल्पों की क्वालिटी को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। और संकल्पों की क्वालिटी को हम तभी अच्छा बना सकते हैं जब हम श्रीमत के तराजू को साथ रखें। प्रवृत्ति संभालने के लिए सबको श्रीमत है जी, व्यवहार करने के लिए सबको श्रीमत है, कोई भी कार्य के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया जी। कर्म क्षेत्र पर हर कार्य करो, लेकिन हर कार्य करते हुए कैसे न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो जी, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस रखो, बैलेंस सिखाया है। अगर कोई बैलेंस से चले तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे ही नहीं। बैलेंस जहाँ टूट जाता है जी, कोई भी चीज में आपने अति कर दी तो नुकसान है। माना आपको कहा जाता है कि आप योग में बैठो और आप योग में बैठ गए, 5 घंटा 6 घंटा बैठे हैं, शरीर टाइट हो गया, कितना देर योग लगेगा, उसकी कोई लिमिट है ना जी? बिल्कुल। तो कर्म योगी जीवन है। हाँ जी। कर्म करते परमात्मा की याद रहे, और याद भी ऐसी जैसे कोई संबंध में स्नेह से बात की जाती है, बात करते करते उससे रूह रिहान करते उसको सामने ला करके कर्म कर रहे हैं, कर्म में श्रेष्ठता भी आ रही है, हर कर्म एक्यूरेट हो रहा है और उसका बोझ नहीं बन रहा है, क्यों, कराने वाला देख रहा है, वो करा रहा है। तो कला अगर आ जाए, कर्म करने की कला कहते हैं, जीवन जीने की कला कहते हैं, हाँ जी, अगर ये आ जाए तो कभी भी मन भारी नहीं होगा, मन उदास नहीं होगा और हम ख्यानत नहीं होने देंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई साहब। और इससे संबंधित है, परमात्मा चाहते हैं कि हम मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे सेंटर है चाहे स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन वे सभी अमानत मात्र हैं। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे और बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त हो जाएंगे क्योंकि अपना नहीं है तो संभाल रहे हैं हम जी, लेकिन संभालते हुए भी किसी में भी अटैच नहीं होंगे, किसी में फंसेंगे नहीं, क्योंकि उसकी दिन देन है, वो कभी भी ले सकता है। बिल्कुल। मान लो आज आपके पास कोई 1000 रुपया रख के गया, आपको ध्यान पर है कि वो उसकी अमानत रखी हुई है, मान लो 15 दिन के बाद 1 मास के बाद वो लेने आने वाला है जी। तो आप कहेंगे चलो हम 15 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आएगा तब तक हमारे पास उसका रिटर्न आ जाना चाहिए जिसको हम दे सकें। बिल्कुल। उसमें हम ख्यानत नहीं करेंगे अगर ईमानदार हैं, ट्रस्टी हैं तो। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जो भी चीज़ें मैंने दी हैं, ये तन दिया, मन दिया, संबंध दिए, सेवाएं दी, साधन दिए, देन तो उसकी है, दिया उसने है, हम उसको उसी तरह से यूज करें तो हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। कुछ भी अगर हो भी गया तो परमात्मा ने दिया, कार्य को ठीक करूं, मैं दुखी नहीं हो जाऊं। इससे संबंधित भाई साहब एक और बहुत सुंदर लाइन परमात्मा ने कही कि इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है, यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। सब मेरे संस्कार शब्द, ये तो बहुत कॉमन है कि मेरी ये आदत है, मतलब ये तो मेरा नेचर ही है, मैं तो हूँ ही ऐसी, ऐसी बातें अक्सर इंसान कहता है, और जिस चीज़ को वो बहुत समय से अपना बना चुका है, फिर इस संस्कार को मेरे से तेरे पर लेकर जाना, ये बहुत कठिन कार्य लगता है, इसे कैसे करें? वास्तव में परमात्मा तो हम सबको, जैसे परवाना जो है ना, समा पर जल मरता है जी, वो परवाह नहीं करता, इतना स्नेह होता है, इतना उसके प्रति प्यार होता है, जो चक्कर लगाते लगाते एकदम फिदा हो जाता है। परमात्मा समा है और हम सब आत्माएं परवाने हैं जी। जब हम अपने को परवाना समझ लेते हैं तो संस्कार मेरे कहाँ रहे, वो भी उसके साथ समाप्त हो गए। तो परमात्मा हम सबको संपूर्ण इस देह अभिमान से मारना चाहता है। देह अभिमान है ना, मेरा कहना भी देह अभिमान है ना जी। मेरे संस्कार, माना क्या, मेरा पन आ गया तो देह अभिमान आ गया, तो मेरे संस्कार नहीं है, जो संस्कार हैं वो मेरे संस्कार तो अनादि संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, जो आदि में देवताओं के संस्कार थे वो मेरे संस्कार हैं जी, जी। जो मध्यकाल के दुखदायी संस्कार, विकारी संस्कार हैं, अगर उनको हम मान रहे हैं, माना वो रावण के संस्कारों को अपना कह रहे हैं, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो तुम्हारे मध्यकालीन संस्कार हैं, देह अभिमान वाले संस्कार हैं,
उनको मेरा कह करके अपने को फंसाओ नहीं, ये अर्पित करो, तब संस्कार दिव्य बन जाएंगे। इसमें भाई साहब दो चीजें हैं, एक है अमानत समझकर कार्य करना जी, और दूसरा है समर्पण होना, दोनों में क्या अंतर है? क्या है, अमानत को कभी भी वापस लिया जा सकता है, हाँ जी। उसने दिया कभी ले सकता है, हाँ जी। लेकिन अगर मैंने समर्पित कर दिया, दे दिया उसको, तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। परमात्मा ने जो मुझे दिया वो अमानत हो गई, मैंने जो दिया वो समर्पित कर दिया। मैंने कह दिया बाबा आपका सब तेरा है, माना मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। अब उस दिए हुई चीज को अगर उसने रिटर्न मुझे रिटर्न कर दिया कि बच्चे तुम संभालो इसको, तो ये उसकी अमानत हो गई। तो समर्पण मुझे करना है, अमानत उसकी है। बहुत सुंदर भाई साहब, ये बहुत ही गहरी बात है जी, कि समर्पण मुझे करना है और अमानत उसकी समझकर हर कार्य करना है। बहुत सुंदर भाई साहब। और इसी से संबंधित एक शब्द है फरिश्ता। परमात्मा चाहते हैं कि फरिश्तेपन की यानी हल्केपन की स्थिति हम सभी की आ जाए। सब हल्केपन को क्या कहेंगे, मतलब इसको आप थोड़ा सा विस्तार करें। बाबा जब फरिश्ते शब्द को यूज करता है तो ये एक है फरिश्ते जो सेवा करते हैं जी, जिनका इस फर्श से रिश्ता नहीं, माना वो कहीं भी देह मान में अटके हुए नहीं है, किसी चीज में अटके हुए नहीं है। कहते हैं फरिश्तों के जो पांव हैं सदा ऊपर रहते हैं, एक वो परियां या फरिश्ते जो दिखाते हैं उड़ते हुए पंख दिखाते हैं। परमात्मा हम सबको साकार जीवन में रहते हुए जब देह संबंधों से बुद्धि ऊपर उठ जाती है, सब कुछ उसको हम अर्पित कर देते हैं, तो हम बहुत हल्के बन जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। जब मेरा है ही नहीं, कोई हैं जवाबदारियां लेकिन उसकी दी हुई हैं, काम किया समर्पित कर दिया, हम हल्के हो गए। तो फरिश्ता बनने की विधि ये है कि ये जो भी कुछ हम सब यूज कर रहे हैं कर रहे हैं, उन सब को परमात्मा के आगे अर्पित करते चले, उसकी देन है, मेरा नहीं है, उसने कार्य दिया मैंने कर लिया, तो बोझ नहीं बनेगा। हल्केपन में फरिश्ते स्थिति का हल्केपन का अनुभव होगा। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता है कि सभी बातों में हल्के होंगे, संकल्प में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म करने में भी हल्के, और संबंध में भी हल्के होंगे। है कि जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। क्योंकि वो जो हल्कापन है, बुद्धि में कोई भी प्रकार की उलझन नहीं है, भारीपन नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि है, स्वच्छता में हल्कापन आ जाता है। और जब हल्की है, स्वच्छ है, तो टचिंग आती है व्यक्ति के बारे में, उसके दुख सुख के बारे में, उसके संकल्पों के बारे में, उसको क्या चाहना है उसके बारे में हम फौरन परख सकते हैं। क्या इसको दिया जाए, कौन से शब्द दिए जाएं, कौन सी शक्ति दी जाए, कौन सी चीज़ की इसको ज़रूरत है, वो जब तक हमने परख नहीं पाया तब तक हम उसको तृप्त नहीं कर सकते। इसलिए जितना हम हल्के रहते हैं, संकल्पों में हल्के रहते हैं, अंदर बहुत स्वच्छ रहते हैं, उतना हम सामने वाले को परख करके संतुष्ट कर सकते। बहुत सुंदर भाई साहब। सब इसी वाणी को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारी बातें हैं गहराई से समझने की। अगले एपिसोड में हम उन सब बातों को लेंगे। भाई साहब, आज की इस महत्वपूर्ण गहराई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, परमात्मा चाहते हैं कि हमारे हर कार्य में रौनक आ जाए, रूहानियत आ जाए, परंतु उसके लिए ज़रूरत है कि हम हर कार्य, जो कुछ भी सूक्ष्म या स्थूल रीति करते हैं, उसे ईश्वरीय अमानत समझकर करें। हम हर कर्म करते सदा हल्के रहें, ये फरिश्तेपन की स्थिति बरकरार रहे, यही हमारी आपके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों के बारे में और अधिक गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। ओम शांति। संपूर्ण स्टेज की परख। जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। फरिश्ता अर्थात संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म करने में भी हल्के, और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है।